नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी रसोई में। मैं हूं हिमांशी उपाध्याय। आज हम बनाएंगे छेना रसगुल्ला। छेना रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में मिठास भर जाती है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आसानी से बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम छेना रसगुल्ला बनाएं। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है आप इसे नोट कर सकते हैं। दूध 1.5 लीटर, नींबू का रस या सिरका 2 टेबल स्पून, अरारोट 2 छोटी चम्मच, चीनी 800 ग्राम। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने की विधि क्या है। रसगुल्ला बनाने के लिए मुख्य सामग्री छेना है, जिसे हम ताजा छेना कहकर डेयरी से ला सकते हैं, या दूध में से हम इसे घर पर बना सकते हैं। यदि हमको छेना घर पर बनाना है तो सबसे पहले हम रसगुल्ले बनाने के लिए छेना बनाएंगे। छेना बनाने के लिए दूध को किसी भारी तले वाले बर्तन में निकाल कर गर्म कीजिए। दूध में उबाल आने के बाद दूध को गैस से उतार लीजिए। दूध को हल्का सा ठंडा होने दीजिए। दूध को ठंडा करने के लिए दूध में 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। दूध में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते हुए चम्मच से हिलाइए। दूध जब पूरा फट जाए, दूध में छेना और पानी अलग दिखाई देने लगे, तो नींबू का रस डालना बंद कर दीजिए। छेना को कपड़े में छानिए और ऊपर से ठंडा पानी डाल दीजिए, ताकि नींबू का स्वाद छेना में ना रहे। कपड़े को चारों ओर से उठाकर हाथ से दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल दीजिए। रसगुल्ला बनाने के लिए छेना तैयार है। छेना को किसी थाली में निकाल लीजिए और 4 से 5 मिनट छेना को मसल मसल कर चिकना बना लीजिए। अब छेना में अरारोट मिलाकर फिर से छेना को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मल मल कर चिकना करना चाहिए। छेना को इतना मथिए कि वो चिकना गूथे हुए आटे की तरह दिखाई देने लगे। रसगुल्ला बनाने के लिए छेना तैयार है। छेने से थोड़ा थोड़ा छेना निकाल कर 1 इंच व्यास के छोटे छोटे गोले बनाकर प्लेट में रख लीजिए। सारे रसगुल्ले के लिए गोले इसी तरह बनाइए और किसी गीले कपड़े से ढक कर रख दीजिए। अब आपको बता दूं कि इसकी चाशनी कैसे बनानी है। चीनी और 2 कप पानी किसी चौड़े बर्तन में डालकर गर्म कीजिए। चाशनी में उबाल आने के बाद छेने से बने गोले चाशनी में डाल दीजिए। बर्तन को ढक दीजिए और छेने के गोलों को चेक करते हुए 20 मिनट तक तेज आंच पर उबलने दीजिए। 8 से 10 मिनट बाद चाशनी गाढ़ी होने लगती है। चाशनी में 1-1 चम्मच करके पानी डालिए। ध्यान रहे कि चाशनी में हमेशा उबाल आता रहे। रसगुल्ला पकते समय 1 से 2 कप तक पानी डाल सकते हैं। रसगुल्ला फूल कर लगभग दुगने हो जाते हैं। रसगुल्ला पकने के बाद गैस बंद कर दीजिए। रसगुल्ले चीनी के पानी में ही ठंडे होने दीजिए। लीजिए, छेना के रसगुल्ले तैयार हैं। रसगुल्ले अभी खाए जा सकते हैं, लेकिन 10-12 घंटे बाद रसगुल्ले अच्छे मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे। इन्हें ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए। रसगुल्ला चाशनी में डूबे रहे तो ज्यादा अच्छा है। चाशनी में डूबे रसगुल्ले फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिन तक खाए जा सकते हैं। ठंडे स्वादिष्ट रसगुल्ले परोसिए और खाइए। पर लेकिन आपको इसके साथ एक बार आपको सावधानी भी बता देती हूँ कि पहली सावधानी ये है, छेना ताजा और फुल क्रीम दूध से बनाएं, और दूसरा, छेना से निचोड़ कर पानी पूरी तरह निकाल दीजिए और वॉश कर लीजिए। तीसरा ये कि छेना को इतना मिथिए कि छेना आटे की तरह चिकना लगने लगे, तभी जाके बनेंगे आपके छेना रसगुल्ले।